व्हाट्सएप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक और गेम खेलने जा रहे हैं जो मेरा फेवरेट गेम कहें आप, रेजिडेंट इवल 3। ये एक फुल जोम्बी गेम है और आपको भी मज़ा आएगा। आप जल्दी से सब लोग हेडफोन लगाएं, बहुत मज़ा आने वाला है और एंजॉय करेंगे आप लोग। रेजिडेंट इवल 3 शुरू करते हैं। रेकोन सिटी, ये एक रेकोन सिटी है जो कि अमेरिकन इंडस्ट्रियल और एरिया है और मिड वेस्ट में वाक़िया है, और इस सिटी में कुछ भयानक सा होने वाला है जो कि अम्ब्रेला कॉरपोरेशन है जो कि बायो हैज़र्ड वेपन बनाती है। वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे करती हैं कि उनका जो केमिकल है वो बहुत ही हैजर्डियस बन जाता है और पूरा एरिया जो है वो फुल ज़ॉम्बी मूड में आ जाता है। अभी हम स्टार्ट करते हैं रेजिडेंट एवल। ये जी हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर जो है अम्ब्रेला कॉरपोरेशन का है और इसमें एक ताबूत नमा कोई चीज़ लेके जा रहे हैं। ये मेरे ख्याल में ना बायो हैज़र्ड जी, बायो वेपन, उसके लिए कार्टिज है पूरा। बायो जो कार्टिज है ना बायो वेपन का, ये वो उसमें लेके जाया जा रहा है जी। चलें, हम लोग बैठे हैं यार, कुछ धुंधला धुंधला सा है। अच्छा, ये मेरा कैरेक्टर ही है मुझे लग रहा है। मैं बैठ चुका हूँ, ट्रैक्टर जो है ना बैठ चुके हैं, लेकिन धुंधला क्यों है यार, धुंधला नहीं होना चाहिए। ये कुछ मेडिसिन पड़ी है, कुछ केटली पड़ी है और अभी तक कंट्रोल मेरे पास आया नहीं है। ये टेलीविजन है जिसपे कुछ आ ही नहीं रहा। बाहर अखीर किस्म की कोई बारिश हो रही है, तूफानी बारिश। यहाँ से मुझे महसूस हो रहा है कि बिल्कुल तूफानी बारिश है। हाँ, अभी ट्रैक्टर का मेरे पास कंट्रोल आ चुका है। अभी मूव करते हैं, इधर देखते हैं। ये जी पंखा फैन चल रहा है, फैन, ये बुक पड़ी हुई है, एक बॉल पॉइंट पड़ी हुई है, पेन टाइप। अच्छा, कुछ ना नल चलने की कोई आवाज़ तो आ रही है यार, ये आवाज़ कैसी है। ये नल चल रहा है अभी, नल इसको, हाँ इस पर कोई आइकन तो बना आ गया है। इसको कुछ करते हैं यार, ये तो लड़की है भाई, ट्रैक्टर तो हमारा लड़की वाला भाई हमने सेलेक्ट किया है। तो इस लड़की का जो नाम है ना वो जिल है, जिल जिल जो है ना, जिल वैलेंटाइन इसका पूरा नाम है। और ये स्टार्स कंपनी में वर्क करती है जो कि इन्वेस्टिगेटर है डेथ इंसिडेंट में। ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, मतलब आते साथ ही फुल ज़ॉम्बी, हाथों पे खून। भाई ये क्या हो रहा है कि फुल ज़ॉम्बी बन चुकी है भाई जिल। तो करेक्टर मेरा शुरू से ही ज़ॉम्बी हो गया भाई। ओह नो, व्हाट इज दिस यार, ये तो सारे का सारा ख्वाब था भाई। मैंने कहा मेरा क्रेटर आते साथ ही मर गया। चलो शुक्र है कि क्रेटर जो है ना वो मरा नहीं है। आई थिंक जो ये लाइट ऑन करते हैं, ये लाइट ऑन होगी भाई। हाँ आगे ये कुछ है भाई, जिल की रिपोर्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको पढ़ने का क्या फ़ायदा यार हमें। हाँ यहाँ चलते हैं, यहाँ ये जी अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की बिल्डिंग थी जिसने भी पूरे जो रिकॉन सिटी है ना उसमें वायरस जो है ना वो फैला दिया है। अब जो वायरस है ना उससे बहुत ख़तरा होने वाला है भाई। टीवी इस टाइम सही चल रहा है, बाकी छोड़ो, ख्वाब में टीवी नहीं सही था।
नल की आवाज़ फिर भी आ रही है यार, ये वो वही बाथरूम वाला नल होगा, मुझे उम्मीद है कि बाथरूम वाला ही नल होगा, ये बाथरूम। हाँ अभी लाइट, लेकिन एक एक्स्ट्रा है, लाइट ऑन करते हैं, लाइट ऑन हुई। लेकिन नल को ऑन करने का ऑप्शन नहीं आया, नल को ऑन करने का ऑप्शन आना चाहिए था। हाँ भाई लड़की खूबसूरत तो है भाई, मैं मेरा कैरेक्टर जो है ना एकदम खूबसूरत है। लेकिन एक दफ़ा खून के कतरे नहीं गिरे, ये सबसे बेहतरीन बात है जी। रेकून सिटी 28 सितंबर 87। ओ फ़ोन बज रहा है, फ़ोन किस तरफ है, फ़ोन किस तरफ है, दूसरी तरफ चलते हैं। पिज़्ज़ा भी पड़ा है भाई, दाल भी पड़ी है, खाने का दिल तो कर रहा है लेकिन ये करेक्टर खाने के लिए तैयार नहीं है। फ़ोन उठाते हैं। ये क्या, ये तो ब्रेड है, ब्रेड कह रहा है कि यहाँ से निकलो। वो निकलते, ओ ये क्या हो गया यार, ये क्या था, ओ अभी निकलना ही कहीं कहा था यार ये तो। ओ भाई मर गया होगा, मर गया। ओ यार इसको असर क्यों नहीं हो रहा यार, भागो 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 भाई, बहुत जालिम करेक्टर है भाई ये, ज़ोंबी तो बहुत करेक्टर है यार, ये तो अभी से ही मुझे डरा दिया। ओ भाई ये तो क्या क्या उठा के मार रहा है, बहुत पावरफुल करेक्टर है भाई। मुझे लगता है अब नहीं आएगा, मुझे उम्मीद है अब नहीं आएगा, यही रास्ता है, भागते हैं भागते हैं, जल्दी भागना चाहिए, कोई इधर से रास्ता है नहीं, नहीं इधर तो बंद है इस तरफ से, हाँ ये सही है। अभी कहाँ चलें, वो चलें 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 चलें। ओ यार ये भाई, ये तो डरा रहा है बिल्कुल यार, बहुत ज़्यादा डरा रहा है ये, क्या ये इसने क्या निकाल लिया। ओ भाई मैं तो गया नहीं, ये काट दी यार, ये उसकी कोई चीज़ काट दी। अब क्या था भाई, उसकी नर्व्स थी, उसकी ज़ुबान थी, उसकी क्या थी मुझे नहीं समझ, लेकिन काट दी है बहरहाल हमने। जिल भागना चाहिए हमें भी, इससे बचने के लिए हमें भागना चाहिए। ओ यार ये क्या, अभी से मारोगे, अभी तो स्टार्टिंग है यार, ऐसे स्टार्टिंग में ये हाल है, बाद में क्या बनेगा। ओ उफ उफ, इतना टॉर्चर यार, एकदम डरा देते हैं। कैसा करेक्टर है यार ये चमड़े वाला, हमें अभी भागना पड़ेगा, आग से भागना पड़ेगा, रनिंग 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 भाई। ये मुझे लगता है ये जो अम्ब्रेला कॉरपोरेशन का वायरस है ना, ये उससे कोई मिलता जुलता, यहाँ तो ये कोई जान छूट गई, वाह अब ठीक है। लेकिन भाई बहुत जालिम है भाई, बहुत जालिम गेम होने वाली है। गेट आउट ऑफ द टाउन, गेट ऑफ, ओके ये ब्रेड है भाई, ये ब्रेड है जी जो स्टार्स में इसके साथ काम करता रहा है, और ये दोनों ही बचे हैं स्टार्स में, एक ये खुद ब्रेड और ये जेल। ओके इससे पहले कि हम भी इन्फेक्टेड हो जाएं यहाँ से निकलते हैं, चलें चलते हैं। और ये आप चेक करें कि पूरे शहर का हाल क्या हो चुका है, लेकिन अभी तक मुझे उस जो करेक्टर है ना ये ज़ोंबी वाला जो बड़े वाला हेलीपैड गुजरा है भाई, आई थिंक सो कि हमें हेलीपैड को अप्रोच करनी चाहिए, ठीक है। हमें अभी तक और ज़ोंबी नहीं मिला, ये मुझे लग रहा है सामने ज़ोंबीज हैं,
इन्फेक्टेड ज़ोंबीज़ हैं वो, देखो भाई भागना चाहिए यहाँ से। ब्रेड भाई ये क्या है भाई, ये तो पुलिस वाले सारे, क्या भाई, निकल निकल निकलना चाहिए हमें यहाँ से। बंद करते हैं, ये क्या, आई थिंक सो कि ब्रेड जो है ना इन्फेक्टेड हो चुका है। अब क्या करना पड़ेगा, वो जिल को जाने का कह रहे हैं। मेरे ख्याल में हमें जाना चाहिए भाई, जाना क्या चाहिए, उसने खुद धक्का दे के निकाल दिया भाई, यहाँ से जाओ। आगे चलते हैं, शायद कोई एक गन पड़ी है यार इसके पास, गन उठाते हैं। चलो कुछ थोड़ा बहुत हमारे पास भी वेपन आ गया है, अब हम कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत फाइटिंग कर सकेंगे। नहीं पीछे कोई आ रहा है यार, लड़ना चाहिए। नहीं मैं तो कहता हूँ यहाँ से भागते हैं फिलहाल, कोई आगे रास्ता रास्ता देखते हैं, कोई रास्ता तो नहीं है। रास्ता होगा होगा ज़रूर होगा। और ये क्या यार, ये डराते क्यों हैं भाई, भाई डराना नहीं चाहिए आप लोगों को। चल रहे चल रहे, बस में भी ज़ोंबीज़ हैं। ये इधर लेफ्ट लेफ्ट साइड पे डोर है, लेफ्ट साइड पे जो है ना डोर है हमारे पास। अब चलते हैं, हेलीपैड है भाई, हेलीकॉप्टर जो है ना हमें कॉलिंग दे रहा है कि ऊपर पार्किंग गैराज में आ जाए। ओके वी आर गोइंग टूवर्ड पार्किंग गैराज, हम पार्किंग गैराज की तरफ चलते हैं। ये कौन है, ये भी इन्फेक्टेड तो नहीं, नहीं है ये तो इन्फेक्टेड नहीं है, ये हम बल्कि हमसे भी डर रहा है। हम उससे डर रहे हैं या वो हमसे डर रहे हैं, क्योंकि पूरा इलाका जो है ना वो इन्फेक्टेड हो चुका है। बिरला कॉरपोरेशन ने जो वायरस फैलाया है ना वो तबाही मचा दी उसने पूरे शहर में। वे भाई इसने तो अपने आप को ही बंद कर लिया, लेकिन इसको चेक करते हैं भाई, इसको कोशिश करते हैं अपने साथ ले जाने की, लेकिन ये जाएगा नहीं, ये उम्मीद पूरी है मुझे। और भाई आपका कुछ नहीं लेना चाह रहे हम, वो चाह रहा है, वो सोच रहा है कि हम जो है ना इसका सेफ हाउस लेना चाह रहे हैं। भाई हमको अपनी जान की पड़ी हुई है, तो हमारे सेफ हाउस को हमने क्या करना है। मेरे ख्याल में हमें खुद ही ऊपर जाना चाहिए, ये नहीं आएगा, हम निकलते हैं आगे। चलते हैं चलें चलें, जेल चलते हैं भाई। ये जो है ना बहुत ही बेहतरीन किस्म की जो जेल है ना, ये इन्वेस्टिगेटर रही है, जो भी कोई डेथ केस होता था ना उसमें ये इन्वेस्टिगेटर, एज ए इन्वेस्टिगेटर बड़ी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है स्टार्स की तरफ से, ठीक है। और जो है ना इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है तकरीबन सारी पूरे शहर में। हम आगे चलते हैं, यार कोई आवाज़ आ रही है। अच्छा ये डॉग्स हैं दो, आई थिंक सो ये भी जो है ना इन्फेक्टेड हो चुके हैं, ये भी इन्फेक्टेड हैं। ये रास्ता है इधर, ये क्या, ये भी ज़ोंबीज़ है भाई। बच के भाई, कोई टच नहीं करना यार हमें, हमने अभी गेम खेलनी है पूरी। ओ यार ये क्या है यार, एक तो डराते हैं अपन, एक किस्म का ना पस करवा देते हैं। यहाँ रास्ता नहीं है, वो सामने रास्ता है, इस तरफ चलते हैं। आगे लिफ्ट है, लिफ्ट से लिफ्ट लेते हैं, लिफ्ट से ही मेरे ख्याल में गैराज। ओ यार ये क्या, गन ना निकालें, ये आओ आओ आओ, हेडशॉट, ये वाली हेडशॉट सही लगी थी। अब निकलते हैं जल्दी से, लिफ्ट में घुसें इससे पहले कि कोई और आ जाए हमारे पास। ये और ये फिर आ गया, अब जा जा। अभी और नहीं कोई आना चाहिए भाई, अभी हमें रूफ पे पहुंचना है ताकि हेलीकॉप्टर के ज़रिए हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, ताकि कम से कम इस इन्फेक्टेड एरिया से निकल सकें। यहाँ नीचे उतारना है, पायलट की तरफ से भी कॉल आ चुकी है, यहाँ आ जाए, मैं उतार रहा हूँ वहाँ पे। चलें चलते हैं अभी, हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और फिर निकलते हैं।
ओफ, व्हाट इज दिस भाई, हेलीकॉप्टर ही उड़ा दिया, उड़ा है या उड़ा दिया गया है? ओ यार, ये जान नहीं छोड़ेगा भाई, ये बंदा जान नहीं छोड़ेगा। ये ज़ोंबी जो है ना, वो जिल के पीछे पड़ गए अभी हमारे। और एक दफा कोशिश स्टार्ट होगी होगी होगी, वन मोर टाइम, वन मोर टाइम स्टार्ट हो जा भाई, वो खा जाएगा हमें। हाँ ये हुई ना बात। जाए 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 जाए, ये तो हमें भाई मार देगा। मुझे लग रहा है बच गए हम, जितनी ऊंचाई से उसे फेंका है ना, अब नहीं वो आएगा। ये क्या? ओ भाई, ये मरने वाला नहीं है, ये नहीं मरने वाला। जिल, तुम्हें निकलना पड़ेगा यहाँ से, हमें निकलना पड़ेगा यहाँ से जल्दी। ओ भाई, इसको तो आग भी असर नहीं कर रही, आग इसको क्या यार, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा रही है आग तो। यार ये तो दिन ब दिन और बढ़ता जा रहा है यार, पहले इसका चेहरा थोड़ा सा मुनासिब था। ये किसने आवाज़ दी है भाई? हमें बचाने के लिए कोई आ गया है। देयर्स, कौन है यार ये कार्लोस है, कार्लोस। कार्लोस भाई, हम यहाँ से अब निकलने वाले हैं, वो सेम प्लेस पे लेके जाना चला है, सेफ प्लेस पे हम यहाँ से अब निकलने वाले हैं। चले जी, अब हम सोस जिन से ना, जिन नुमा चीज जो है ना, वो क्या है बला, उसे वहां से निकल चुके हैं। अब ये बंदा कौन है, ये पूछना पड़ेगा। अभी जिन थोड़े से नखरे तो दिखाएगी आखिरकार। स्टार्स की औला नखरा, नखरा स्टार्स की आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टिगेटर है, वो नखरा तो दिखाएंगे ना। भी हम यहाँ से चलते हैं। वो अभी इससे पूछ रही है कि तुम मॉन्स्टर के बारे में कुछ जानते हो, वो कह रहा है नहीं भाई हम नहीं जानते, और ये ज़ोंबीज भी नहीं है, वो कह रहा है भाई इसका मतलब है कि ये विलन है, या विलन है या विलन ने इसको बनाया है, ये कोई चीज़ ऐसी है, क्योंकि वो कह रहा है कि इट्स नॉट अ ज़ोंबी, ठीक है। और दूसरा वो अपना इंट्रोड्यूस करवा रहा है, UBCS। वाह भी, ये UBCS तो वही कंपनी है जिसने ये वायरस जो है ना वो फैलाया है, ठीक है। ये UBC से बनता है, उम्ब्रेला बायो हैजर्ड काउंटर मैयर सर्विस, ये उनकी अपनी ही सर्विस है, ये उन्हीं का बंदा है भाई। इन्होंने सारी बैंड बजाई हुई है पूरे एरिया की, ये बायो वेपन बनाने वाली अम्ब्रेला कॉरपोरेशन है जिसने सारी बैंड बजाई हुई है पूरे एरिया की। और ये कार्लोस जनाब साहब जो है ना उसी के हैं। अच्छा, ये कहाँ, ये तो कोई और करेक्टर भी आगे आ गया भाई, कैप्टन। मेरे ख्याल में कैप्टन जो है ना जिल को जानता है, कैप्टन जो है ना जिल को जानता है जी। वाकई ये देखें, उसने बोल दिया है कि RPD स्पेशल टैक्टिक्स एंड रेस्क्यू सर्विस की ये लड़की है, वेलेंटाइन, जिल वेलेंटाइन इसका पूरा नाम है। इट्स जिल वेलेंटाइन, स्टार्स इन्वेस्टिगेटर ऑफ डेथ इंसिडेंट्स, और ये खुद भी UBCS का प्लाटून कमांडर मिखाइल विक्टर। भी उनको हमारी हेल्प चाहिए, उसने कहा है कि ये जो यहाँ पे है बंदे हैं जो सेफ बंदे हैं, उनको ले जाने के लिए हमने ट्रेन को पटरी पे चढ़ाना है, उसके लिए पावर पावर कवरिंग करनी है, पावर जो है ना वो पावर को बहाल कर रहे हैं। अब हम पावर को बहाल करने के लिए उसने रिक्वेस्ट की है जिल को कि मेरा जो बंदा कार्लोस है वो अकेला नहीं कर सकता, तो अगर आप हेल्प करें। तो जिल तो भाई फिर डेडिकेटेड जो है ना इन्वेस्टिगेटर है, और वो कहती मैं अकेला करूँगी, कोई और मेरे साथ भी नहीं आएगा। भाई नखरा तो है इस लड़की में, मानो ना मानो भाई नखरा है इस लड़की में।
ठीक है जी, सबवे स्टेशन को जो है ना वो ऑनलाइन करना है हमने, और रिस्टोरिंग द पावर, पावर को रिस्टोर करना Copy that. Let's do this है। ये fast. हमारे पास टास्क है जी, रीएक्टिवेट पावर एट द सब स्टेशन। सब स्टेशन में जाके हमने पावर को रीएक्टिवेट करना है। जाते जाते हम हर चीज़ को देखते जाएंगे ताकि कोई चीज़ ऐसी हमें वहाँ पे ज़रूरत, क्योंकि यहाँ पे चीज़ों की ना ज़रूरत पड़ती है, एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़, दूसरी की तीसरी से खुलेगी, तीसरी चौथी से खुलेगी, कोई ये चीज़ें लाजमी हर चीज़ को देखते जाएंगे हम, किसी भी चीज़ को छोड़ के नहीं जाना। कोई चीज़ मिस हो गई और आगे हमें ज़रूरत होगी तो हमें दोबारा आना पड़ेगा। नहीं यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस मुझे एक ही चीज़ है कि वो चीज़ नहीं आनी चाहिए। ओह यहाँ क्या है, यहाँ क्या है। लेकिन ये पीपल जो है ना, ये सारे सेफ पीपल हैं। ये बंदा खराब है भाई, ये बंदा इन्फेक्टेड है। ओए गोली नहीं है भाई, क्या करें क्या करें, निकलना चाहिए यार। ये तो इनका कोई हल नहीं है यार, मेरे पास गन होनी चाहिए। आगे चलते हैं। चलो जी, एमओ हमें मिल गया है फिर, लेकिन आगे बंदे भी मिल गए हैं, एमओ के साथ साथ बंदे भी मिल गए हैं। आओ भाई, अब नहीं छोड़ना इनको। भाई हेड शॉट पक्की कर दी। फिर कोई उठा है? नहीं, हाँ उठ गया उठ गया उठ गया उठ गया। अब नहीं उठना यार, ये मरते ही नहीं है। मेरी बुलेट जो है ना वो वेस्ट किए जा रहे हैं, वेस्ट किए जा रहे हैं। एक गोली से मर जाना चाहिए भाई। भाई ढिट किस्म की कौम है यार ये। यहाँ कुछ मिलेगा? नहीं, यहाँ भी नहीं है। यहाँ भी, ओ दरवाज़ा सामने नज़र आ रहा है मुझे। नहीं यार, ये दरवाज़ा भी जो है ना किसी और चीज़ से खुलेगा, मेरे पास कुछ ऐसा है ही नहीं है सिवाय एक गन और एक पिस्टल के अलावा। यार ये लेफ्ट साइड पे ज़ोंबी है, वहाँ तो हम नहीं जा रहे। आगे चलते हैं। इसने खुद ही भाई कार में ला ली है भाई, हमसे नहीं पूछा इसने। अच्छा ये सब स्टेशन है भाई, इसकी जो पावर है ना वो एक्टिव करनी है हमें। वो भी भाई जो इसने उसकी बिस्ती करके आई है ना, वो कह रही यहाँ पे थोड़ी सी आग है। वो कहता तुम्हें इतनी सी आग क्या करेगी। वाह भाई, उसने भी कार्लोस ने भी ना बैलेंस कर दी है। हाँ यहाँ पे हमें वो चाहिए, पाइप चाहिए पाइप। अभी पाइप ढूंढते हैं, अभी पाइप ढूंढने के लिए हमें थोड़ी सी तगोदो करनी पड़ेगी। ये कोई यहाँ पे तो नहीं कुछ चाहिए, कुछ आवाज़ आ रही है मेरे कानों में। मैं इसलिए कह रहा हूँ आप लोग भी हेडफोन लगाएं, आपको भी आवाज़ आएगी। कुछ खाया जा रहा है, कुछ खाने की आवाज़ें आ रही, लेकिन बंदा कोई नहीं नज़र आ रहा मुझे। दूसरी साइड देखते हैं, दूसरी साइड खुली हुई है, इधर कुछ नहीं है। इधर भी यार ये तो मरा हुआ है ऐसे ही यार, मेरे ख्याल में वहम भी हो सकता है। चलें आगे देख लेंगे। हाँ ये कुछ है तो नहीं है, नहीं ये भी काम की नहीं है, ये इधर इधर ये भी काम की नहीं। ओहो यार ये डरा दिया। यार मेरे पे तो एक दफा सकतातारी हो गया, मैं जब तक इनको मार नहीं लिया मुझे ना बोलना ही भूल गया यार, एकदम डरा दिया यार। ये तो गन पाउडर है, ये गोली बनाने के काम आएगा। उफ भाई, ये जो एकदम आने वाली बात है ना, यार ये कैसी है, बहुत कोई ढीठ किस्म की औरत है यार ये। नहीं मेरे ख्याल चलते हैं यार, गोलियां क्यों वेस्ट करनी है इस पे। चलते हैं यार, हमारा मकसद जो है ना वो पाइप ढूंढना है, और क्यों काम की चीज़ मिलेगी वो भी ढूंढते हैं। पाइप ढूंढ के उसी एरिया में जाना है, क्योंकि हमारे मकसद जो है ना, हमने मकसद हासिल करना है, बाकी चीज़ों को हमने क्या करना है। ये इधर कुछ, छोड़ छोड़, कोड चाहिए, एक्वा कोड चाहिए। चलो छोड़ें इसको, क्या करना है हमने। हाँ ये गन पाउडर मिल गया,
अभी इनके साथ हम जो है ना बुलेट्स बना सकते हैं। नहीं, यहाँ यहाँ कुछ मिलेगा, यहाँ कुछ मिलेगा, नहीं। आगे चलते हैं। सारे डब्बे, ओ यार ये कहाँ से आ गया, एक और मिल गया। इसको मार देना चाहिए मेरे ख्याल में। हाँ, ये खंजर काम क्यों नहीं करता? नाइफ को काम करना चाहिए। मैं हर दफ़ा नाइफ को ट्राई करता हूँ लेकिन नाइफ काम ही नहीं करता। अब नहीं भाई, नाइफ का अब तो मुझे लग रहा है मैं इसको गन से उड़ाऊँगा। गोली तो वेस्ट करनी नहीं है भाई। इधर मैंने एक दरवाज़ा देखा था, अभी इस दरवाजे पे चलते हैं। इधर देखते हैं ये क्या पड़ा है। ये भी, हाँ ये एमओ हो गया हैंडगन का। और अब इसका नहीं, हैंडगन का गन एमओ हुआ है, उसकी गोलियाँ आ चुकी होंगी मेरे पास। ये देखा, 15 बुलेट्स। ये क्या है, गन पाउडर आ गया। यार कोई कोई काम की चीज़ नहीं मिल रही अभी तक मुझे। कोई काम की चीज़ मिलेगी तो मज़ा आएगा, इससे पहले कि वो विलन जो है ना, वो बतूश किस्म का इंसान जो है ना, वो ना हमारे सामने आ जाए। वो आ गया ना, हमारी बैंड लग बच जाएगी फिर, और इस जिल को बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये लॉकर कौन सा है यार, ये भी दूसरा लॉकर है, इस पर भी कुछ नहीं होगा। किचन में चलते हैं, शायद कोई हमें कोई काम की चीज़ मिल जाए। ये बॉक्स पड़ा है यार, एक बॉक्स पड़ा है इधर, एक जड़ी बूटी टाइप कोई पत्तों में नमा की चीज़ पड़ी हुई है। ग्रीन हर्ब है, हाँ ये ग्रीन हर्ब जो है ना, ग्रीन हर्ब और रेड हर्ब मिलके एक मेडिसिन बनती है जो कि हमें कोई भी पॉइजनिंग या कोई इस तरह की चीज़ से बचाती है। फैंसी बॉक्स हो गया, वापस चलते हैं यहाँ से। और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे काम की चीज़ और नहीं है। इधर मैंने यार एक और दरवाज़ा देखा था, हाँ यही है यही है, सही दरवाजे से बाहर निकला हूँ। आओ आओ, अभी मैं, अभी बुलेट्स हैं, अब नहीं छोड़ूंगा मैं, बुलेट्स हैं मेरे पास। तुम लोग तो कुछ हो ही नहीं, वो विलन ना आ जाए, बाकी तुम लोगों का तो कोई मसला नहीं है। कोई नज़दीक पहुंचा हुआ है भाई। मर जा, अच्छा हुआ मर गया। अभी और कहीं चलते हैं, वो सीढ़ी नज़र आ रही है मुझे। एक तरफ सीढ़ियां हैं, ये है नहीं, इसके लिए तो कोई और चीज़ चाहिए, कोई कटर टाइप कोई चीज़, कोई कटर हो, कोई हैवी किस्म का जो कटर टाइप चीज़ होती है ना, वो होनी चाहिए अभी हमारे पास। ये नहीं चलेगा, चलते हैं दोबारा किसी और जगह पर चलते हैं। इसको फिर होश आ गया। यार तुम लोग मरते क्यों नहीं हो? ये क्या, एक और आ गया। भाई मैं नहीं लड़ रहा, गोलियां वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इधर चलते हैं, हाँ ये रास्ता मिला, कुछ ना कुछ मिला सही हमें। कुछ मिलेगा, आगे चलते हैं, कोई अच्छा मिल जाए कोई ऐसी। यार ये कहाँ से आ गया, गोलियाँ या भाड़ में जा, ऐसे मनहूस किस्म के इंसान है यार ये। अगर इन्फेक्टेड जिल भी हो जाती है तो मेरे ख्याल में जिल भी इस तरह की हो जाएगी। वेरी बैड यार, इस तरह की जिल कैसी लगेगी यार, बहुत बुरी लगेगी। ये अभी नहीं खुलेगा। इसकी की किसके पास है भाई, की मिल ही नहीं रही मुझे। हाँ फायर होज मिल गई भाई, मेरे ख्याल में ना हमें वापस जाना चाहिए। फायर होज लगाते हैं और आगे निकलते हैं, क्योंकि जो ट्रांसमिशन वाला जो वो सॉरी उसका जो था ना पावर वाला, वो वहीं से है, वो उसी जो टावर है ना खम, उसी से है। अभी हमें वापस जाना चाहिए, टावर वाली साइड पे चलते हैं ताकि होज़ लगा के फायर को ख़त्म करें, और उसके बाद जो है ना वो टावर की तरफ अप्रोच करते हैं, क्योंकि टू द पॉइंट हमें काम करना चाहिए।
ज्यादा वक्त नहीं जाया करने। हम इधर से आए थे, मेरे मेरा जो अभी माइंड कह रहा है ना, हम इधर से आए थे, अभी गलत ना हो जाए। चल चल मेरी परी चल। एमओ पड़ा हुआ है, एमओ नहीं छोड़ना, कोई पता नहीं कब वो खबीस आदमी आ जाए। भाई ये फिर जिंदा हो गया भाई, इसको तो मैं मार के गया था। कैसे घटिया इंसान है, मैं तो कहता हूँ अब जिसको भी मारूंगा ना उसकी खोपड़ी उड़ाऊंगा, फिर नहीं ये उठेंगे। यहाँ देखने को काम की चीज़ मिल ना जाए, इसलिए मैं इसे यहाँ बार बार आके देख रहा हूँ, शायद कोई काम की चीज़ मिल जाए। नहीं, इधर कुछ नहीं है। और यार इधर से तो हम आए थे, अब मैं नहीं लड़ रहा भाई, मैं जा रहा हूँ। जल्दी से भाई फायर होज वाली जगह पे पहुँचते हैं, फायर होज लेफ्ट साइड पे। हाँ अब सही है, यही है जगह, फायर होज लगाते हैं। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। चलें कोई तो इस गेम में कोई पहला टास्क कंप्लीट तो किया हमने। चलें विजिल रीएक्टिवेट पावर एट द सब स्टेशन। अभी हम सब स्टेशन वही चलते हैं, वही जो टावर जो उसने कार्लोस ने बताया था ना, उसी टावर पे जाके ना हमें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन रास्ते में जाते हुए हम चीज़ें देखते जाएंगे, ताकि ना कोई ऐसी चीज़ हमें जो वहाँ चाहिए और हम भूल गए हों। यार ये लॉक सारे इसी तरह के हैं यार, ये लॉकों में क्या ऐसी चीज़ है यार, ये लॉक की चाबी कहाँ से मिलेगी हमें। नहीं इधर 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 ये क्या है। अच्छा ये भी स्टोर है हमारा, कोई चीज़ अगर हम आपके पास इजाफी हो जाए ना तो इसमें सेव करने के लिए, ये डाटा सेव करने के लिए यहाँ पे मिशन, अगर यहाँ पे आप सेव करेंगे तो इस मिशन पे आप जब मर्जी जब आना चाहें तो आ सकते हैं। कटर मिल गया भाई, कटर की एक डोर हमने पहले भी देखा था, ये डोर भी कटर वाला है, यहाँ से पता चल जाएगा। और यहाँ पे आवाज़ आई है हमें कुछ, तो इसको तो खोलना पड़ेगा। ये कटर का इस्तेमाल करते हैं, मेरे ख्याल में ये चलेगा, ज़रूर चलेगा इस पर। चल गया भाई चल गया, गुड। अब ध्यान से इसको खोलते हैं, ये कौन है, उसके पास जाके बैठ गई है भाई, ये इन्फेक्टेड ना हो, क्योंकि मेरे ख्याल में इसके साथ जाने वाला ये। अब ये कौन है, ये भी यूबीसीएस का है भाई, ये भी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का है, लेकिन ये कौन है, ये कार्लोस तो नहीं है। वो बल्कि बिस्ती कर रहा है भाई आगे से, बिस्ती जालम किस्म की बिस्ती। यार मुझे लग नहीं रहा था कि वो इन्फेक्टेड है, लेकिन ये कह रहा है कि ये वो इन्फेक्टेड है भाई। उसने रोक दिया उसको जाने से, उसने कहा कि भाई अपना वापस अपने स्टेशन पे जाओ, लेकिन हम नहीं रुकेंगे। यार ये जो रोक रहे ना, मुझे इस पे शक है कहीं ये इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि बंदा कोई ना कोई हो ना हो, अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का बंदा ज़रूर होगा जो इस सारी घटना में इन्वॉल्व है, जिसने ये जितना भी इन्फेक्टेड मटेरियल जो मतलब बनाया है उसको स्प्रेड आउट किया है ना, तो वो इसका हाथ लाजमी होगा। और ख़ास तौर पे वो जो ऊद बला है भाई, वो जो बला उसने बनाई है ना बड़ी जालिम किस्म की, उसका तो चेहरा चेंज हो रहा है भाई। उसका चेहरा जो है ना, पहले इस तरह था कि पूरी बॉडी जो है ना टेपों की तरह लपेटी हुई है, लपेटी हुई है, लपेटी हुई है, लेकिन अभी जो उसका चेहरा है ना, वो एक और बदनुमा शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। चलें आगे चलते हैं हम अपना नज़दीक, ये ब्लॉक है यहाँ राइट साइड पे, कुछ देखा है मैंने ये राइट 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 साइड पे, राइट साइड पे कुछ देखा है, ये वाला
ठीक है जी, ये रेकून सिटी का है, उसकी पावर के बारे में है। नहीं, यहाँ से नहीं गुजर होगा, नहीं जा रहा ट्रैक्टर। चलो यहाँ चलते हैं, ये सही है। हैं, कुछ आया, कुछ आया। ये क्या, ये क्या है? ओ डॉग, ओ यार, इन्फेक्टेड हो गए मेरे ख्याल में। ये देखो हमारे साइडों पे रेड रेड आ गया है। अब इनको तो पहले मुझे मारने दे। आओ आओ यार, ये गेम बहुत डराती है, बहुत डराती है। एकदम से कोई आया था, मैं समझा वही वो ज़ोंबी किस्म का जो बायोहैकल है वो आ गया है, वो टेपोनोमा वाला जो हमें शुरू से स्टार्टिंग से मिला है। लेकिन ये तो उसके डॉग्स हैं मेरे ख्याल में, ये उसी के डॉग्स हैं भाई। ये भी सारा इन्फेक्टेड एरिया, ये सारे जो है ना इन्फेक्टेड हैं, इनको इन्फेक्शन हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं है, हमें जल्दी से वो टावर जो है ना राइट साइड में नज़र आ रहा है मुझे, यही जगह है। मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, इधर तो नहीं कुछ। ये भी मुझे कोई जनरेटर टाइप चीज़ लग रही है, लेकिन यहाँ पे उसने कुछ दिखाया नहीं है। चलिए अंदर चलते हैं। तुम्हारे इधर काम क्या है, मुझे ये नहीं समझ आ रही। छोड़ूंगा तो नहीं। एक और आ गया, ये सही, इसको सही लगी है, दो तो हेडशॉट लगी और फारग हो गए हैं। कोई मैंने देखा हो यार, ये पुलिस वाला भाई, ट्रैफिक पुलिस है सामने आने दे थोड़ा सा। अब चल फिर सामने, अब चल। और जल्दी से यहाँ से देखें कुछ, ये सामने को लॉक है, इसका मतलब इसमें कुछ है। यार ये तो लॉक वही है, वही वाला पुराना लॉक। इधर से देखते हैं, इधर लॉक नहीं है। ये क्या है? गन पाउडर। अबे गन पाउडर का मैं क्या बनाऊंगा, बस कर दो गन पाउडर देना, कोई अच्छी चीज़ दे दो। ये क्या यार, ये क्या नमूने हैं यार, मरते ही नहीं हैं, थोड़ी देर बाद जाग जाते हैं। हम ज़्यादा गोलियां भी नहीं ज़ाया कर सकते, हमें गोलियों की बहुत ज़रूरत है। यहाँ कुछ ऐसी चीज़ ना हो जो रह जाए हमारी आंखों से ओझल, इसलिए मैं देख रहा हूँ कि कुछ चीज़ ऐसी है तो नहीं इधर। मैं ऊपर वाले एरिया में, हाँ ये जो हर्बल है ना, अब ये मैं इसको ग्रीन के साथ मिलाऊंगा ना तो मेडिसिन तैयार हो जाएगी मेरी। चलें जी, राइफल का जो है ना, राइफल की मेरे पास एमओ भी आ चुका है। एक ही रास्ता है इधर। ये क्या है? ये फैक्स है जी, फोर ब्रेकर्स जो है ना वो एक्टिवेट करने हैं। अच्छा जी, इस तरह की बात है, इसका मतलब जो पावर ऑन होगी ना वो फोर ब्रेकर्स के ज़रिए होगी। यार ये कैसा एरिया है, टोटली स्मेली स्मेली, टोटली स्मेली स्मेली है यार। ये सारा ब्लॉक है, इधर से चलते हैं। ग्रीन हर्ब दे वर्क सम काइंड मेगर्स अ ग्रीन हर्ब। हाँ वो भी मेडिसिन के बारे में बात कर रहा है। यहाँ से कुछ और तो नहीं, ये ग्रीन हर्ब है, ये ग्रीन हर्ब है। हर्ब, हर्ब से मुराद हर्बल। चलें ये जो हमारे पास दवाई बन गई है, अच्छा जी, लॉक पिक विल बी प्रोवाइडेड टू द सीनियर एम्प्लॉय इन द ड्यूटी। अच्छा ये लॉक पिक से खुलेगा, और लॉक पिक एक दफ़ा हमारे पास आ गई तो सारे जितने भी जितनी अलमीरा हैं वो सब की सब खुल जाएंगी। ये सही है। अभी कैरिंग अ केस, उसके केस में है यार वो एक बंदा, बंदा इधर लेफ्ट साइड पे है एक, ये वाला, इसके पास बॉक्स भी है। हो ना हो इसी के अंदर वो पिन है, मुझे लग रहा है कि इसके अंदर पिन है। ये क्या, ये क्या यार, ये सूंडियाँ वगैरह कुछ ऐसा था ना। चलो केस खोलते हैं।
चलो जी, हमारे पास ना जो है ना लॉक पे की जो है ना, लॉक पे की जो है ना वो हमें बरामद हो गई है, बल्कि उससे तो वो हीरा निकला, ये जो रेड कलर का, ये इससे निकलेगा अभी। भाई लॉक पिक मिल गया, अभी लॉक पिक इसको यूज़ करते हैं, उम्मीद है कि इसे खुलेगी। खुल गई भाई, मज़ा आया, मज़ा। ये क्या, ये पीछे कुछ था, पीछे कुछ था कुछ। ऊपर देखो झील, मेरे ख्याल में ऊपर ये कुछ गिरा। ये क्या है यार, ये क्या है, मकड़ी, ये क्या कर दिया, ये तो इसने तो मुंह में पूरे गले में घुसा दिया, ये तो पूरा रेड रेड हो गया यार, ये तो मैं पूरा इन्फेक्टेड हो गया हूँ यार। चले वापस चलते हैं। अच्छा गाइस, कैसा लगा आपको गेम? अगली एपिसोड चाहते हैं तो दोबारा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया। क्या हम यहाँ से निकल पाएंगे या नहीं, तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।